अगर मैं ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखा पाया भाई तुम लोगों को। बच्चे बच्चे भाग रहे मेरे को कौन मिला यहाँ पे? ये अपना ब्लॉक लाइन स्टेशन है और यहाँ मेरे को दो बंदे मिल गए। हाउ आर यू भाई? आई एम गुड, हाउ आर यू? कौन मिला? थोड़ा लेट हो गया ना भाई, मैं 9 बजे से तैयार हूँ। चलो कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं, तो यही बोलना पड़ेगा ना। यार मैं रोज सोचता हूँ, मतलब मैं टाइम से उठूंगा, टाइम से जाऊंगा, सब कुछ टाइम से करूंगा, बट नहीं हो पाता ना यार। मैं क्या करूँ, मैं कितना करूँ टाइम पे आऊंगा? ऊपर से मौसम भी ऐसा था आज, बट अब मैंने सोच लिया गाइस, अब मैं बढ़िया डेली व्लॉग किया करूँगा, चाहे कुछ हो दिखाने को नहीं हो, बट कुछ ना कुछ दिखाया करेगा। दो चूजे मिल गए भाई, ये देखो ये दो चूजे। तो बस यहाँ से प्लान है, एक जगह जाना है अपने, थोड़ा सा काम भी है और साइड बाई साइड जो भी होता रहेगा वो तो आप लोग देखते रहोगे। ठीक है भाई, खुल जाती है कुछ भी है। ये लेके जाएगी अपने को लास्ट स्टेप पे, जहाँ पर हम लास्ट स्टेशन होते रहेंगे। तो बस ऐसा ऐसा थोड़ा मौसम अच्छा नहीं है भाई। सुबह आपको पता है इतनी बारिश लगी थी, मैंने आपको बताया तो था, बारिश तब भी मैं लेट हुआ। बारिश तो बारिश है ना भाई, कहीं पे भी लग सकती है। तो भाई हम पहुंच गए यहाँ पे, रैंप से उतर गए और यहाँ पे बारिश लगी। भाई क्या कर रहे हो आप, देखो मेरे को पूरा भिगा दिया आपने। अरे वो मैं बता रहा था कुछ, हाँ मेरे को मेहनत ही नहीं लगी वो यार। चलो यार आप भाई छतरी ऊपर करो ना भाई, एक तो छोटी हाइट होने का आपका भी नुकसान ही है, छतरी भी नीचे दो मैं पकड़ लूं। चल चल चल, थैंक यू बिठा लेगा गाड़ी वैसे, मत बोल थैंक यू थैंक यू भाई। चलो यार मिडल फिंगर दिखा दिए चलो 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 भाई, थोड़ी तो शांति मिली, नहीं तो बारिश में कुछ लोग होते हैं तो छतरी लेके भाग जाते हैं। चलो यहाँ पे काम शुरू हो जाओ, अलग अलग हो जाओ। चलो भाई अलग अलग हो जाते, ये लो पकड़ो रिंकू, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी। हाँ चलो पकड़ ले भाई, तू पकड़ नहीं सकती मेरा छत्ता, मतलब माय अम्ब्रेला, उधर भूल के आ जा, मैं भूल गई। तो भाई ये अपना कौन स्टॉक का मॉल है, पहले वोट देना चाहते, वोट तो अच्छा इसको क्यों बुला रहा हूँ। तो ले जाना यार भाई, देख इतनी सुंदर लड़की छाता पकड़ के चलेगी तो मैं नहीं पकड़ूंगा भाई। ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे गाड़ी में यार, तू 2 मिनट के लिए शांति रखेगी कि मैं कुछ बोलूं? हाँ तो मत बोलना, तेरे को बोल रहा है कोई बोलने के लिए। तो भाई बस ऐसा वो है, वो आओ इधर आओ। हाँ तो भाई मेरे को याद होता है, तुम लोग चले गए तो भाई हम सुसु करने जा रहे हैं, तू चलेगी हमारे साथ? तो भाई ये वॉशरूम और यहाँ पे एटीएम लगा हुआ है, यहाँ पे वॉशरूम के बाहर ही एटीएम होते हैं भाई, उस वाले में जाओ ना, फीमेल वाले में। हम आए जॉब ढूंढने भाई, क्योंकि अब वो टाइम आ रखा है जब जॉब चाहिए अपने को। तो मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ साइड बाय साइड। तो आजकल अपना सक्सेस वीक चला हुआ है, तो उसमें ऐसा सीन होता है कि छुट्टियाँ होती हैं मतलब हफ्ते भर की। तो मैंने सोचा हुआ था कि इस छुट्टियों में मैं बढ़िया जाऊँगा, ऐसे रिज्यूम वगैरह बांटूँगा। बस वही अभी देखता हूँ मैं क्या बनता है, और हर एक स्टोर में जा जा के पूछूँगा। तो अगर आप लोग भी आ रहे हो तो भाई आप लोगों को मतलब श्योरिटी रखनी है ऐसे कि कर लो, कभी भी कुछ भी होगा तो जॉब चाहिए भाई, कब तक मज़े कर लोगे आप? मैंने भी बहुत मज़े कर लिए, बट अब जाके भाई को रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं जॉब चाहिए। और ये मेरे दो चूचे साथ में, ऐसे लगते हैं, ऐसे दिखते हैं बेरोज़गार लोग, बेरोज़गार तो बिल्कुल अच्छी लगती है। वो तेरी गलत फहमी है वो गाइस, क्या है लूलू लेमन भाई आपके लिए, लूलू लेमन है हम तेरे लिए, लूलू लेमन भाई। किसी के पास जॉब है तो भाई मेरे को भी दिलवा दो, मैं भी चाहता हूँ जॉब करना। कभी कभी नसीब की बात कर रहे हैं कि कभी कभी नसीब से जॉब मिल जाती है भाई, नसीब ही अच्छा नहीं है हमारा तभी तो हम ऐसे घूम रहे हैं। सबसे टफ होता है भाई ऐसे मॉल मॉल में जॉब मिलना, तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है रेफरेंस लगा देगा तब ठीक है, नहीं तो ऐसे तो भाई कोई चांस ही नहीं है। वो भी बेचारी निराशा भरी शक्ल लेके आ रही है। तो यही है भाई, मैं मतलब सोचता था वैसे कि मैं इस टाइप का ब्लॉग नहीं बनाऊंगा कभी, ऐसे जॉब्स वगैरह का पार्ट टाइम मतलब इस कंटेंट को अलग ही रखूंगा, बट स्टिल मैंने वही सोचा कि अगर
क्योंकि मेरे को ना अपनी लाइफ को देखो है, सच बताऊँ ना, डॉक्यूमेंट करना है ताकि मतलब मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मैं डालना चाहता हूँ कि मैं देखूँ 5-6 साल बाद भी, 8 साल बाद भी देखूँगा भी यूट्यूब पे। तो हो भाई, अगर मैं तुम लोगों को ढंग से दिखाया नहीं पाऊँ या ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखा पाऊँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है भाई मेरा यूट्यूब चैनल का, उससे अच्छा तो मेरे को बंद कर देना चाहिए भाई, ठीक है? क्योंकि जो रियलिटी है भाई, अगर मैं वही नहीं दिखा पाऊँ तुम लोगों को तो वही है। तो मेरे को काफ़ी लोग मना भी करते हैं कि भाई मत दिखाया कर ऐसे पर्सनल लाइफ ये व्लॉग्स वगैरह, तो मैं समझता हूँ भाई सबकी बात, ठीक है? मैं उनको एक बात बोल लूँगा अपने व्लॉग से कि अगर मैं ग्राउंड रियलिटी नहीं दिखा पाया भाई तुम लोगों को तो फिर क्या फ़ायदा है मेरा व्लॉग चैनल बनाने का, क्यों है ना गाइस, सच बोल रहा हूँ ना 100%, तभी भाई तुम लोगों को पता लगेगा। नहीं डोंट कम टू कनाडा इफ यू वांट टू बी रिच, डोंट कम टू कनाडा। ले यार देखो गाइस क्या करती है, मैं पकड़ा भाई, बस 9 नंबर आई नहीं थी, टाइम लगेगा उसको, कितने 3 को यहां से निकलती है ये, देखो ना तैयार हो रही है। जैकेट पहन यार, तू क्यों तैयार होती है भाई, तू निकल क्यों हो गया, मत खोल अगर ऐसे हर कहीं। हां भाई ऐसे चलो यहां से, रुके भाई, लड़कियों के साथ आओ ना कभी, तो लड़कियों को भाई ऐसे बोल दिया करो हर कहीं ऐसे, इसीलिए तेरे से कोई पट्टी नहीं है, समझ रहा है? मेरे पास तो है भाई, मेरे पास तो है, तेरे रहने दे, इतना सच में नहीं बोलना था, नहीं पर मेरे पास है, नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा ना भाई नहीं है, नहीं है। तो फिर कलेश होता है बाद में, इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है कि है, नहीं है। यहाँ से भी जहाँ शबरी शक्ल लेके हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये देखो भाई बारिश, बस स्टैंड पे तो चले तो चलो ना भाई, रुक क्यों रहे हो, बट आज मौसम ख़राब है थोड़ा सा, ये देखो नालियों में पानी जा रहे हैं, ये भाई बस पूरी खाली है, ये गाइस 9 नंबर बस भाई, ये देखो भाई फिर से खाली बस है, तुम्हारा भाई चल रहा है, आज कोई बसें बड़ी बड़ी नहीं मिल रही है, खाली खाली मिल रही है, बस भाई इधर से उधर घूम रहे हैं पागलों की तरह। भाई बारिश लगी है हल्की हल्की, भीगता भीगता चला हूँ, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे को कहाँ पूछना है, कहीं ना कहीं तो पूछ के रहूँगा, यहाँ पे भाई खुद ही जाना पड़ेगा तुमको, ठीक है? किसी के भरोसे बैठे रहोगे ना कि वो लगवाएगा जॉब, ये लगवाएगा जॉब, कोई नहीं लगवाएगा। ये देखो पार्किंग, वैल्यू योर पेट, योर पेट योर स्टोर, कैसे पूछते हैं, हे हाय हाउ आर यू, या आई जस्ट वांट टू आस्क दैट इफ यू गाइस आर हायरिंग, या बट इन फ्यूचर इफ यू गाइस विल हायर, डू यू हैव एन आईडिया? वेल वी हैव अ लॉट ऑफ रेज्यूमेस ऑन हैंड सो वी आर नॉट टेकिंग एनी मोर आउट देयर, ओके, ओह नो वरीज, सुना ना तुमने क्या बोला, ऐसी फीलिंग आती है ना यहाँ पे कि कहाँ ही आ गया हूँ भाई, अपनी साइड होते हैं ना भाई अपने, वहाँ पे जहाँ पे भी जाना है भाई वहाँ पे तो ये होती ना अप्रोच इतनी लग जाती है ना, हर काम इजी हो जाता है। पता है क्यों चाहता हूँ कि तुम लोग ये सब कुछ देखो, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगे, नहीं तो ऐसे दिखाते ना कि भाई कैनेडा आओ बड़ा आसान है, सब कुछ आसान है भाई, नो डाउट आसान है, बट थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बर्गर पॉइंट है, अब यहाँ पे पूछता हूँ, हाय हाउ आर यू, जस्ट वांट टू आस्क दैट इफ यू गाइस आर हायरिंग बाय एनी चांस लाइक इन फ्यूचर, ओह नो थैंक यू, मना कर दिया भाई मुँह पे मना कर दिया मना कर दिया भाई, भाई इसने तो मना ही कर दिया, करती एक साल के लिए हायरिंग ही नहीं है, एक साल भैया तो बोला वी आर नॉट हायरिंग फॉर वन ईयर भाई, आती ज़िंदगी तो ऐसे बस का वेट करते करते चल जाएगी हमारी, ना तो बस आती है ना ही कुछ और आ रहा है, क्या करे भाई क्या करे, जॉब आ रही है, क्या क्या बोलूँ, नहीं जॉब आ रही है, जॉब ऐसी थोड़ी आएगी, मौसम ही अच्छा है और कुछ अच्छा नहीं है, मौसम भी अच्छा तो क्या ही है, बट स्टिल ऐसा देख रहे हो ना तुम लोग, स्ट्रगल देख रहे हो ना, क्या बोला, नो हायरिंग, कपल ऑफ वीक्स, कोई बात नहीं, तो रिज्यूम किया तूने, नहीं ना उसने ना बोला, मैं नॉट एप्लीकेशन बनी, आप उन्होंने कुछ पूछा, उसने वो नहीं कुछ नहीं पूछा, मैंने उसको मेन्यू दिया, मैं कहता दे डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, दे हैव सम डिफरेंट चॉइसेस, फिर उसने बेचारे ने बोला ओह नो वरीज इट्स ओके, भाई देख अगर बर्गर की मुझे अच्छा नहीं मिला ना खाने को तो तेरे को बताएंगे हम, क्या करूं, अच्छा खासा डोसा खाना था भाई, तो फिर से आ जाएंगे, मैं बोल दूंगा, फिर वैसे थूक के देगा हमको, डोसे में थूक केगा फिर देगा, लो अब खाओ, थूक के चाटने वाली आदत नहीं है गाइस, थूक के नहीं चाटते हो,
फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि फ्राइड राइस भी खाओ भाई। यहाँ पे तीसरी बार गई थी चिल्लर लोग मेरे से तीसरी बार भरवा के लेके आई है ये तीसरी बार। ये तेको थम्स अप बनाने के लिए आया हूँ मैं, दो दो तीन तीन बार थम्स अप भरूँ। सिटी मारना सीख लो। ये देखो ऐसे ऐसे ना दो उंगली ऐसे कर ऐसे ऐसे अबे ऐसे बनाओ ना देख। बजा नहीं रहा हूँ मैं जोर से। कोई बंदा ये व्लॉग देख रहा है और उसके पास जॉब है तो भाई कॉन्टेक्ट करना मेरे को प्लीज। बाकी जॉब की सिचुएशन तो भाई सच में थोड़ी कम है, बट डीमोटिवेट नहीं हो रहा यार। पता क्या होता है जो जब होगा वो तभी होगा, तो तुम अगर सोचोगे कि जल्दी हो तो वो जल्दी तो होगा नहीं, बट जब होना होगा तब हो जाएगा। ये देखो भाई एक और नई लोकेशन में पहुंच चुका हूँ मैं, पर पता नहीं मेरे को कहाँ पे आना है। ये भी है यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या है, कोई पता नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। जॉब की तलाश में, जॉब की तलाश में भटकते हुए मुसाफिर। क्या ये बोल रही है? ये अपोजिट साइड जा रही है अपनी। हाँ तो चलो। वो देखो गाइस बाइक मेरे को भी दे दो, मैं भी चलाऊंगा। 7 नंबर बस भाई, घुमा फिरा के फिर से मैं ही पहुंच गया। अपने तो फिर ट्रेन में पकड़ लेंगे ना भाई। चलो ना परली साइड तो चलो। इधर नीचे? नीचे नहीं, इधर सामने भाई। सामने तो पता नहीं क्या हुआ है, जाम ही हो गया सच यार। ऐसी सारी गाड़ियाँ, कब मैं भी ऐसे किसी कैफे में बैठूंगा आराम से अपनी गाड़ी को पार्क करके। पता नहीं कब आएगा वो दिन। आराम से जाइयो ठीक है, बाय। इस साइड को देख, राइट साइड को घूम के जाना है। गाइस अर्चित भाई ने रिंकू की बजा दी। मैंने बजा दी, वाह। आप भी भाई रिंकू ही हो। आप रिंकू, आप और रिंकू हैं। रिंकू अपने आप में गाली है। आज आप बात करने आप मेरे साथ नहीं आऊंगा, मैं क्यों आऊं? अभी है जा रही हूं। ओके बाय भाई। तो मैं कुछ नहीं करता, उसको मनाओ ना यार। आप हाँ तो आप बनाओ रहा उसको, उसको तो उसको लूलू को पता नहीं है कि भाई वो देखो आ रही है बस हमारी सामने से। नाराज हो जाती है ऐसी छोटी छोटी बातों पे। बस आ गई हमारी, चल ले, शर्म कर ले थोड़ी, कुछ तो शर्म कर। 1 मिनट में बस थी। मैंने क्या किया भाई? मैंने तो कुछ तो मनाने तो आ रहा हूँ, तू पीछे क्यों जा रही है? मैंने क्या बोला तेरे को? तूने मेरे को पता कितनी जोर से थप्पड़ मारा? तो उसने क्या दोस्त? वो आ गई बस। चलो अभी क्या, चलो आते, चलो 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 भागो 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 भागो। मैं रुकवाता हूँ आप लोगों के लिए, बस भागो। ये देखो भाई बच्चे बच्चे भाग रहे। भाई मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना बैठे बैठे, ऐसे झटके लग रहे थे, ऐसे झोंके मार रहे थे, लोगों को लग रहा होगा ड्रग्स करके पड़ा हुआ है। पर ऐसा नहीं था गाइस, नींद आ रही थी तुम्हारे भाई को। और आज मौसम इतना बढ़िया है, देखो ये पीछे से वो आ रही है भाई। अब हुआ बढ़िया, तो पहले थोड़ी था बढ़िया, फिर भी है। तू मेरे से बात नहीं कर रही है? क्यों नाराज है तू मेरे से? तू बोल, चल माफ किया तेरे को पहले। खुश ओके। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तुम्हारा भाई चल रहा है यहाँ पे, इस वाले स्टॉप पे बस आएगी मेरी। वो देखो उनको घंटी बजी गई, कुछ तो हो गया। ट्रेन आई और ये फाटक बंद हो गए। वो देखो गाइस क्या चीज़ खड़ी मेरे सामने आ गई। मैं ना यार हमेशा सोचता था ऐसे कि मतलब क्या होगा, नहीं होगा, ठीक होगा, बट वो तो ना एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो डेली मोटिवेशन लेते रहो कहीं ना कहीं से। ये देखो 301 ट्रेन आ गई भाई, ये देखो ट्रेन ट्रेन ट्रेन। तो बस ऐसे ऐसे ही, यहाँ से मेरे को एक बस लेनी है कॉलेज के लिए, फिर कॉलेज से मेरे को एक और बस लेनी है घर के लिए। तो ज़िंदगी भाई बसों में निकल जाएगी तुम्हारे भाई की। कभी कभी तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार बहुत जल्दी बड़े हो गए, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक फेज़ होता है ना कि हाँ टाइम आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, तो वो कभी कभी फील होता है मेरे को। और
ठीक है भाई, सोचने को तो मैं रोज ही सोचता हूँ कुछ अच्छा करूँगा अच्छा करूँगा, बट वही बात है ना, मैं सोचता रह जाता हूँ। बट अब से मैं पूरा ट्राई करूँगा भाई कि मैं डेली व्लॉग करूँ, और किसी भी दिन मेरा व्लॉग मिस हुआ भाई तुम लोगों को खुली छूट है, तुम मेरे को इंस्टा पे गाली दे देना कि भाई तुमने व्लॉग डाला, तुमने क्या कर रहे हो भाई। जिनको पता है उनको पता है मेरा भी सपना एक दिन लूंगा ये गाड़ी, इसे अच्छी लूंगा मतलब अच्छे से मॉडिफाई कराऊंगा और बढ़िया से तुम्हारा भाई दिखेगा तुमको ऐसी किसी गाड़ी में। बाकी देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फाइनली परफ्यूम की खुशबू आ रही है। ओ भाई अब पहुंच जाओ फाइनली आगे घर, बस वही बात है गाइस, अब बस। तो यार अब सीधे सिंपल पता ही क्या करूँगा, अब सीधे मैं थोड़ी देर बैठूंगा, उसके बाद खाना बनाऊंगा, डिनर करूंगा, डिनर करने के बाद ये वाला व्लॉग एडिट करूंगा और फिर सो जाऊंगा। फिर कल का देखते हैं, कल का क्या प्लान होगा, कुछ तो होगा, जब जैसे भी उतरेगा भाई तुम लोग देखते रहोगे। लव यू गाइस, खुशी नहीं गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी कौन है व्लॉग के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।